मैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर सबसे पहले आपको इसका सिंटिक्स बतला देता हूं वैल्यू फंक्शन के अंदर एक ही आर्गुमेंट पास किया जाएगा दैट इज़ टैक्स वैल्यू फंक्शन क्या करेगा इट कन्वर्ट्स ए टैक्स ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट्स ए नंबर टू ए नंबर एक ऐसी टैक्स रिंग जो कि नंबर को शो कर रही है लेकिन वो नंबर फॉर्मेट में नहीं है उसके अंदर टैक्स फॉर्मेट है ये उस टैक्स फॉर्मेटेड नंबर को नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा आप यहाँ पर देखिएगा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने टेकअप किया हुआ है जिसके अंदर कुछ अमाउंट हमें दिया गया है वन थाउजेंड टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड ये अमाउंट हमारे पास नंबर फॉर्मेट में है लेकिन ये जो टेन वैल्यू है ये नंबर फॉर्मेट के अंदर नहीं है ये टैक्स फॉर्मेट के अंदर है मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर डेटा टाइप्स के अंदर देख सकते हैं कि ये टैक्स शो कर रहा है इट मीन्स ये टेन टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर है जब मैं यहाँ पर सम के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूँगा तो ये टेन को कंसीडर नहीं करेगा C5 फाइव टू सी मैंने कंप्लीट रेंज दे दी पेरेंथीसिस क्लोज आई प्रेस सेंटर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इन तीन वैल्यूज़ का जो टोटल है सिक्स आता है लेकिन ये टेन इसके अंदर ऐड नहीं किया गया हमने जबकि अपने फंक्शन के अंदर उस टेन को भी इंक्लूड किया था मैंने यहाँ पर फंक्शन दे दिया मुझे ये यहाँ से टेन को क्लीन करना है ताकि मेरे पास प्रॉपर सम आ सके तो मैं इसके लिए वैल्यू फंक्शन को यूज़ करूँगा यहाँ पर मैं अमाउंट टेन के ऊपर वैल्यू फंक्शन को इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ इक्वल्स टू बट ये वैल्यू फंक्शन मैं सभी डेटा के ऊपर अप्लाई कर दूंगा वैल्यू मैंने आर्गुमेंट के अंदर यह कंप्लीट रेंज दे दी सी फाइव टू सी एट पेरेंथिस क्लोज आई प्रेस प्रेसेंट नाउ यू कैन सी दैट जो डेटा हमारे पास टेन रुपीज का था यह पहले टैक्स के अंदर था नाउ इट हैज बिन कन्वर्टेड इनटू नंबर फॉर्मेट यहां पर मैंने टेन पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे हमारे पास डेटा टाइप के अंदर यह नंबर फॉर्मेट के अंदर है मैं इस जगह के ऊपर सम के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं आपने देखा कि जैसे ही मैंने सम के फंक्शन को इंप्लीमेंट किया मेरे पास यहां पर वैल्यू सिक्स थाउजेंड टेन आ गई आई मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर कुछ डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर दिया गया है इस जगह के ऊपर मैं सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं सम मैं कंप्लीट रेंज डेटा की दे देता हूँ विच इज़ इन टैक्स फॉर्मेट पेरेंथिस क्लोज आई प्रेस एंटर स्टूडेंट आप ध्यान देंगे कि हमारे पास यहाँ पर आंसर जीरो आ गया इट मीन्स कि ये सारा का सारा डेटा टैक्स की फॉर्म के अंदर है आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू नंबर फॉर्मेट उसके लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फंक्शन है दैट इज़ वैल्यू वैल्यू के अंदर देर इज ओनली वन आर्गूमेंट रिक्वायर्ड हमने उस आर्ग्यूमेंट के थ्रू कंप्लीट रेंज दे दी पेरेंथिस क्लोज आई प्रेसेंट आप देखिएगा ये सारा डेटा राइट अलाइन हो गया विच शोज दैट इट इज़ इन नंबर फॉर्मेट। ये डेटा सारा का सारा टेक्चुअल डेटा था जो कि लेफ्ट अलाइंड है मैं इस जगह के ऊपर एक बार फिर सम फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं इस जगह पर सम फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और आप इसको देखिएगा हमारे पास यहाँ पर यह वैल्यू निकल कर आ गई एक लाख पाँच हज़ार हमारे पास ये वैल्यू आ गई जबकि हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर टोटल सम जो था ये ज़ीरो आया सो वैल्यू फंक्शन क्या करेगा इट विल कन्वर्ट ए टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट्स ए नंबर एक ऐसा टेक्स्ट स्ट्रिंग जिसके अंदर नंबर है और वो टेक्स्ट स्ट्रिंग टेक्स्ट डेटा टाइप के अंदर है वैल्यू फंक्शन टेक्स्ट डेटा टाइप को नंबर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा दिस फंक्शन इज वेरी वेरी यूजफुल टू अस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटे से फंक्शन से आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बहुत इंप्रूव करेगी एंड यू विल बी एबल टू यूज़ दिस फंक्शन समवेयर इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थैंक यू वेरी मच